उन चुनावों में अगर आप देखिएगा तो चुनावों से पहले राष्ट्रीय जो पूरा परिदृश्य था उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पर आने जा रही है, सिवाय अमित शाह, नरेंद्र मोदी या उनकी चौकड़ी के। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि पूरे देश के जो जनमानस है, पूरे देश के भीतर जगह जगह पर जो मोदी विरोधी लहर, भाजपा विरोधी लहर है, उसको धता बताते हुए आप देखते हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन यह अपने आप में एक अजूबा है कि उससे पहले हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, देश के हर हिस्से में देख रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर बात थी कि हो सकता है मतलब बीजेपी एक सबसे ज़्यादा संख्या में सीटें ले आएंगी, लेकिन ये भी एक बात थी कि विपक्ष की जो अलग अलग स्तर पर एकता बन रही है या उस बीच जितने मजदूरों के, किसानों के, छात्र नौजवानों के आंदोलन हुए हैं, देश के भीतर के जो हालात हैं, नोटबंदी से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, जितनी चीज़ें हैं सब तहस नहस हो चुकी थी। किसान सड़कों पर था, मजदूर सड़कों पर था, ऐतिहासिक आंदोलन हम लोगों ने देखे थे। तो ये बात निश्चित थी कि जो विपक्ष है, जो और उम्मीदवार है, वो भी जो है संसद के भीतर अपने आप को एक अच्छी संख्या में पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि चुनाव होता है और एक इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, चुनाव से पहले पूरी खामोशी थी। मैं कई जगह चुनाव क्षेत्रों में गया, चुनाव के प्रचार को देखा, जगह जगह मैं इस बात को अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है, एक अंदाज नहीं आ रहा था। हमारे उससे पहले वक्ता जी इस बात को कह रही थी कि ये अलग बात है कि जो स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, जो इनके तमाम जेबों में बैठी हुई पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, जो चैनल्स हैं, उनकी अपनी एक बात थी, लेकिन वो बात अपनी क्यों है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जो सन्नाटा पहले था, वही सन्नाटा बाद में भी था। कहीं आप निकल जाइए, मैं दिल्ली में कई उसी दिन जिस दिन रिजल्ट निकला है कई जगह घूमा हूँ, बस में घूमा हूँ, मेट्रो में घूमा हूँ, बाजारों में घूमा हूँ। जीत का जो अपना एक उमंग होती है, जो इनके शब्दों में कहें तो उमंग नहीं, उन्माद होता है, वो कहीं नहीं दिखा है। और ये साबित करता है कि आप पूरी तरह से ईवीएम को सेट करके इस जीत को ले आते हैं, जनता के बलबूते नहीं, क्योंकि जनता के बलबूते अगर जीत लाएंगे तो जनता उसी उत्साह के साथ अपने प्रतिनिधि की जीत की खुशियां भी मनाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि सिवाय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के कहीं कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था, छिटपुट बातें हो रही थी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर ढंग से मैनेज किया है, चुनाव आयोग ने पूरा का पूरा उसका साथ दिया। आप देख लीजिए कि विपक्ष पर एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं, लेकिन आपके मोदी वहां चहलकदमी कर रहे हैं केदारनाथ में, चुनाव के दरमियान सारे फोटोग्राफर मौजूद हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है चुनाव के दरमियान, चुनाव आयोग का कहीं ऐसा पता नहीं है। ये दिखा रहा है कि एजेंसियों को किस तरह से उन्होंने जेब में डाल रखा है। और उसके बाद अब साफ सामने चीजें हैं कि एक के बाद एक काले कानून पारित हो चुके हैं, सारे संविधान को सरमाथों पर लगा के संसद के अंदर जाने वाले प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर चुके हैं। और ये जो सारा संकेत है, इस संकेत में ये जरूरी है कि आज के ऐतिहासिक दिन पर ईवीएम सहित जो भी सवाल हमारे सामने आ रहे हैं उनसे टकराना जरूरी है, उनसे टकराना होगा। और टकरा के ही एक बृहद एकता के माध्यम से हम ईवीएम के खिलाफ बैलेट के पक्ष में जा सकते हैं, और साथ ही ईवीएम के बलबूते सत्ता पर आए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शिकस्त भी दे सकते हैं। हमें कश्मीर के सवाल पर भी बोलना होगा, हमें एनएचआरसी के सवाल पर भी बोलना होगा। अभी कश्मीर के बाद आने जा रहा है जो आसाम के भीतर ये कर रहे हैं, पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। हमें उन तमाम काले कानूनों के सवाल पर बोलना होगा। और यह बोलते हुए मुझे लगता है कि एक बृहद एकता के माध्यम से
हम ईवीएम के सवाल पर जीतेंगे, हम तमाम उन लोकतांत्रिक सवालों पर जीतेंगे जिन लोकतांत्रिक सवालों को ये ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त कर रहा हूं, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।